और अब खेत बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, बेरोजगार बच्चे। क्या, क्या कुछ कर दिया सरकार ने, क्यों नाराजगी है? खेत ले लिए हमारे सबने, खेत में बिल्डोजर फेर जाते। एक बच्चे को नौकरी दिला दें, हमारी छत दे दें और हमारा मामजा दे दें, खेतन ने बेशक ले ले सरकार। किसी को दिया होगा, हम कैसे मान ले जब हमारे घर उजाड़ कर हमें कुछ नहीं दिया गया। इस जगह हमें इल्लीगल बताया जा रहा है, क्यों इल्लीगल बताया जा रहा है? जब हम वोट डालते हैं, जब सरकार कोई सी भी आती है हम वोट डालते हैं, उस वक्त हमें इल्लीगल क्यों नहीं कहा जाता कि आप वोट मत डालो, आप इल्लीगल हो? उस वक्त हमें इल्लीगल बनाते हैं और आज हम जब अपना हक मार रहे हैं तो हमें इल्लीगल कहा जा रहा है, क्यों? टीडीए वाले आते हैं, कहते हैं तुम्हारे यहाँ का खेतों में हमारी फसल हुई है, कहते हैं इसमें तुम गंदा पानी लगाते हो, इसमें दिल वो करते हो, इसमें जहर लगाते हो, इसको खत्म करो। पहले हमारी रोजी रोटी खत्म करी, फिर हमारे यहाँ का घर तोड़े, हमारे मकान तोड़े, हमारी झुग्गी झोंपड़ी, हमारे सारे यहाँ रोजी रोटी सारी खत्म कर दी। हमारे बड़े बूढ़न से सहन करा लिया, हमारे बड़े बूढ़न से कह रहे हैं कि तुम वो करो, हमारे बड़े बूढ़न को मीठा ठग बना के अंदर घुस के हमारे बड़े बूढ़न की जेब काट दी। किस चीज पे साइन करा लिए? और हमारे बड़े बूढ़न से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन नहीं है, हमारे कागजों की जमीन नकली कागज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं हमारे कागज? अपने कागज दिखाएं, और उनके कागज तो उनकी जमीन, हमारे कागज तो हमारी जमीन है, हमारी जमीन। हमें जमीन चाहिए और चाहिए, अंग्रेजों से जमानों से रह रहे हैं, हमें चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं यहाँ मूलचंद गांव बेला स्टेट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सारी महिलाएं मौजूद हैं जो मजदूर हैं, गरीब हैं और किसान भी हैं। इनके घर उजाड़ दिए गए और क्या कुछ समस्याएं अभी इन्हीं महिलाओं से जानेंगे हम। तो अम्मा क्या उम्र है पहले तो ये बताइए? हमारी 65 साल की उम्र हो गई और हमारी 5-6 पीढ़ी बदल गई और सारे बड़े बूढ़े सास ससुर सब यहीं गुजर गए। जमीन के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी भरी फसल को जोत जाते हैं, पूरी ले ली। 65 साल की उम्र हो गई आपकी और यहाँ बैठी हुई है अभी, इतनी हिम्मत है आप में कि ये धरना प्रोटेस्ट करेंगी? मजबूरी में बैठना पड़ता है और अब खेत बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, बेरोजगार बच्चे। क्या कुछ कर दिया सरकार ने, क्यों नाराजगी है? खेत ले लिए हमारे सबने, खेत में बिल्डोजर फेर जाते, दो चार क्यारी बोले। क्या बोल के आपके खेत ले लिए? कुछ नहीं कहते, लेडीज पुलिस ले आते, सबको अलग करवा देते और सबको सामान को फेंक देते, दबा जाते, खड्डो खोद के सारे तोड़ दिए, खेत उजाड़ दिए। अब बताओ हम कहाँ जाएं? आपकी क्या उम्र है अम्मा? हमारी भी इतनी यही 65 साल की। हाँ अच्छा, तो अभी आप भी इस धरना में बैठी हुई हैं बराबर? हाँ, बैठना इस उम्र में आपको घर में आराम करना चाहिए, आप धरना दे रही हैं, है ना? धरना देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्यों देना पड़ रहा है कि हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चे कहाँ जाएं, हम परेशान हो रहे हैं, डीडी हमें परेशान कर रही है, क्या करते, घर रहने को नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्या बोल के नोटिस वगैरह दिया आपके पक्के मकान तोड़े? कुछ नहीं दिया सरकार ने हमें, हमारे का हक के बुलडोजर चला दिया। हमारे का हक चाहिए, हक दिला दें और सब कुछ। एक बच्चे को नौकरी दिला दें, हमारी छत दे दें और हमारा मामजा दे दें, खेतन ने बेशक ले ले सरकार। खेत क्यों ले ले, आपकी जमीन है, क्यों ले ले? बात ये है कि जब सरकार हमें मामजा दे रही है तो सरकार से मामजा चाहिए और हमारे को जगह चाहिए रहने के लिए और एक बच्चे की नौकरी चाहिए। ऐसा आप सरकार से गुहार लगाती हैं? हाँ, सरकार से गुहार लगाते हैं, इसीलिए हम धरने में बैठे हुए हैं। चलिए, और भी महिलाएं हैं, जानते हैं क्या कुछ है मुख्य बिंदु आपके, क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांगे यही है, अगर सरकार हमारी जमीन लेती है किसी भी उसके लिए, अगर उन्हें चाहिए तो वो हमारी जमीन के बदले मुआवजा दे हर किसान को, जो हमारे घर उन्होंने नष्ट किए हैं उन घरों के बदले रहने के लिए जो जगह दे, और जो हमारी जो कहते हैं ना कि खेती बाड़ी से हमारा घर चलता था, हमारा परिवार चलता था, उन्होंने वो खत्म किया है, तो उसके बदले हर घर में से एक आदमी को नौकरी दे। अभी कैसे गुजारा चल रहा है घर का? अभी कैसे चल रहा है, बस अपना जैसे तैसे है, कोई बच्चा है, कोई मेरे पति है जैसे, वो अपने बाजार में थोड़ा बहुत करके आ रहे हैं, मंडी वंडी का तो चला रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन था खेत में हमारा, उसी से फसल, घर जानवर सब उसी से पलते थे, वो उन्होंने खत्म कर दिया, जिसमें मैं तो कहूंगी डीडीए भी मिली हुई है, ये मोदी सरकार भी मिली हुई है, दिल्ली सरकार भी मिली हुई है, तीनों ने मिलकर ये काम किया, क्योंकि बिना किसी के कोई काम नहीं हो सकता। इतनी नाराजगी है दोनों सरकार से? बिल्कुल नाराजगी, हम जो दर्द झेल रहे हैं ना वो हम जानते हैं। इस धूप में हमारे छतें भी उन्होंने उजाड़ दी हैं, एक तरफ वो कहते हैं हम पक्का घर देंगे, दूसरी तरफ वो हमारे पक्के घरों को उजाड़ के हमें झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया है, और उसके बाद उस झोपड़ी को भी हटा दिया। जी, तो आवास योजना के तहत जो है घर घर दे रहे हैं सबको, किसी को दिया होगा, हम कैसे मान ले जब हमारे घर उजाड़ कर हमें कुछ नहीं दिया गया। इस जगह हमें इल्लीगल बता
बताया जा रहा है, क्यों इलीगल बताया जा रहा है? जब हम वोट डालते हैं, जब सरकार कोई सी भी आती है हम वोट डालते हैं, उस वक्त हमें इलीगल क्यों नहीं कहा जाता कि आप वोट मत डालो आप इलीगल हो? उस वक्त हमें इलीगल बनाते हैं और आज हम जब अपना हक मार रहे हैं तो हमें इलीगल कहा जा रहा है, क्यों? हमारे पूर्वज इतने पुराने सालों से रहते आए, पूरे कागज दिखा रहे हैं, हमने हर जगह कोशिश की है, मोदी के पास भी लेटर लगाया, हमने हर जगह लेटर लगाया जितने भी विधायक हैं, और कोर्ट से भी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। हमें बिल्कुल ऐसे किया जा रहा है जैसे कि हम यहाँ भारत के नहीं, हम बाहर से निकल के आए, पाकिस्तान से आए या कहीं से बाहर से या कंट्री से निकल के आए, हम सिर्फ इसी भारत की यही धरती पर रहने वाले हैं, हम अपने पूरे कागज दिखा रहे हैं। DDA से भी ये कागज ले, कौन सा वो है कि बस DDA के लिए तो ये लागू करते हैं वो कानून कि वो आए जब मर्जी जमीन घसीट ले, और जब हमारे पास इतने 100 साल पुराने हमारे पूर्वज कागज लेके बैठे, उन्हें कोई मान्यता नहीं है, उनको कोई नहीं मान रहा है। तो जब कानून है दोनों साइड के लिए होना चाहिए, हमारे लिए भी वही होना चाहिए और जो सामने वाली पार्टी है DDA उनके लिए भी वही कानून बनाना चाहिए। उन्हें दोहरा कानून क्यों? क्योंकि इनकी सरकार है इसलिए इनका कानून चलेगा, कोर्ट में भी इनका कानून चल रहा है सरकारों का, कोर्ट में भी बिल्कुल कोर्ट में भी इनका कानून चल रहा है, जो ये चाहते हैं, जो सरकार है दिल्ली सरकार है या केंद्रीय सरकार है दोनों मिलकर जो चाहती है वही फैसला कोर्ट से क्यों आता है? हम लोगों के लिए क्यों नहीं होता कोई भी फैसला? पर दोनों सरकार जो है अपने दावे करती है कि हम महिलाओं के लिए इस तरीके की योजनाएं निकाल के लाए हैं, महिलाओं को इतना रोजगार मिल रहा है, महिलाएं पढ़ रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उन्हें उज्ज्वला योजना दी जा रही है, सब कुछ, और आप इतनी नाराजगी आप लोगों में? हमारे पास कोई शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, हमारे बच्चों को कोई स्कूल की सुविधा नहीं है, हमारे लिए कोई पानी की सुविधा नहीं है, कोई लाइट की सुविधा नहीं है, हमें कोई सुविधा आज तक नहीं दी गई। अगर उनके पास कहीं भी कोई रिकॉर्ड में हमारी सुविधा है तो ला के दिखा देना। और हम जो यहाँ रह रहे हैं, जो हम अपने हाथों से बनाते हैं अपने घर, अपने बाथरूम, जो भी हम खड़ा करते हैं, उन्हें आके वो बुलडोजर से गिरा जाते हैं। हर महीने उन्होंने ये धंधा बना लिया कि चलो यमुना में सफाई करनी है। मुझे ये बताइए, यमुना के अंदर सफाई करें ना, यमुना के बाहर सफाई करने का क्या मतलब है? सफाई क्या, जो गरीब लोग हैं, जो घरों किसान हैं, उन्हें हटा के सफाई होगी? अरे अंदर करो यमुना के, और बाहर आप खुद इनको बसा दो या क्या उजाड़ेंगे, आपको क्या गंदगी फैलाएंगे? गंदगी किसान नहीं फैला रहे, गंदगी बाहर से आ रही है, जो यमुना में गंदे नाले मिले हुए हैं उनके लिए कोई गंदगी नहीं है, और हम लोगों को जो किसान हरे भरा खेती को रख रहे हैं उन्हें वो गंदगी बता के हटा रहे हैं। अच्छा चलिए, इनसे भी जानते, क्या नाम है हम आपका? रमेश्वरी। रमेश्वरी जी, आपकी भी यही समस्या है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र इस टाइम 70 साल की। 70 साल की है, और ऐसी 70 साल की उम्र में आराम घर में सोना चाहिए, लेटना चाहिए, यहाँ बैठी है धरना, क्या करें? मजबूरी है, हमारे कोई नहीं है बुड्ढा एक कमाने वाला, वो भी बेकार रिटायर है। आप देख सकते हैं कितनी मजबूर है ये, इनका हाथ भी नहीं है, इनके कितनी दिक्कत है, और सरकार जो बैठी हुई है सत्ता में किस तरीके से इन लोगों के घर बार छीन के, और देख रही है किस तरीके से, ये उम्र इनके आप देख सकते हैं कितनी मजबूर बूढ़ी अम्मा जी हैं ये। अभी और भी लोगों से हम बात करती है तो हमारे कृपाल भी उड़ जाते हैं, बच्चे ने पकड़ पकड़ कर नु बिठाते हैं, पकड़ पकड़ के बारिश आंधी जब आती है, जब आती है हमारे बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी जान आंधी आई थी परसों, हमारे खाने पीने के बर्तन भी उड़ गए, छत पे तिरपाल भी उड़ गया, कोई कहीं पड़ा, कोई कहीं पड़ा, हाथ में और लग गई देख मेरी आंगली में परसों। चलिए अभी जो है ये भी महिलाएं हैं, क्या ये आपकी भी यही समस्या है? यही समस्या है हमारी। कितने परिवारजन हैं आप? हम हैं 8-10-12 जने घर में। 10-12 जने, किस तरीके से गुजर बसर चलता है? क्या करें, गुजर बसर करते हैं, सरकार ने क्या करा हमारे साथ में, इतनी अत्याचार कर रहे हैं हमारे साथ में, करा क्या? DDA वाले आते हैं, कहते हैं तुम्हारे यहाँ का खेतों में हमारी फसल बुवी है, कहते हैं इसमें तुम गंदा पानी लगाते हो, इसमें यहाँ का दिल वो करते हो, इसमें जहर लगाते हो, इसको खत्म करो, पहले हमारी रोजी रोटी खत्म करी, फिर हमारे यहाँ का घर तोड़े, हमारे मकान तोड़े, हमारी झुग्गी झोंपड़ी, हमारे सारे यहाँ का रोजी रोटी सारी खत्म कर दी, क्योंकि फसल बुवी हुई, गेहूँ भी और पुदीना धनिया सारा बिना हुआ, जब हमारे अगर जब धंधा ही खत्म कर दिया तो हम क्या करेंगे, ये बताओ? हमारा धंधा जड़ से खत्म कर दिया तो क्या करें? हमने ये भी बंद करवा दिया, कह दी तुम ये फसल बंद कर दो तो तुम्हें भगाएंगे नहीं, फसल भी बंद कर दी, अब ये कहने लगे फसल बंद कर दिया, अब हमारे बिल्डोजर चले, हमारे बुरी तरह से खेत में अत्याचार चल रहे हैं, आधी से ज्यादा मट्टी खा रहे हैं हमारे बच्चे, इतना नुकसान हो रहा है, और हमारे जब भी हमारी सुनाई नहीं आ रही है, DDA वाले इनके आगे जाते हैं, DDA वाले ये कहते हैं अपने ग्रुप दिखा, ग्रुप दिखा, क्या दिखा, हम दिखाते हैं, हमारे कागज नहीं लेते, हमारे कागज नहीं देखते, अपने कागज देखते हैं, कहते हमारे तो हमारे लिए तो ऑर्डर आया हुआ है, अपना नहीं दिखाते, हमारा देख के हमारा देखने से मना कर देते हैं, हमारे पीछे ये कहते हैं इनके पीछे कुछ भी नहीं है, तो असली
उन सबको नकली माना जाता है, ऐसा क्यों है? आपके जो प्रूफ दिखाते हैं उन्हें बोलते हैं नकली है। प्रूफ आप इस वक्त भी देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, लेकिन उन्हें सब नकली बताते हैं। वो जो आ गए हैं अब 57 में आए हैं, उनके सारे कागज ओरिजिनल हो गए। जो हम इतने पुराने रह रहे हैं 100 साल से, मतलब जो हमारे पूर्वज है वो 100 साल से पुराना रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनको नहीं माना जा रहा है। हमारे बड़े बूढ़न से सहन करा लिया, हमारे बड़े बूढ़न से कह रहे हैं कि तुम वो करो, हमारे बड़े बूढ़न को मीठा ठग बना के अंदर घुस के हमारे बड़े बूढ़न की जेब काट दी। किस चीज पे साइन करा लिए? और हमारे बड़े बूढ़न से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी जमीन नहीं है, हमारे कागजों की जमीन नकली कागज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं हमारे कागज? अपने कागज दिखाए, और उनके कागज तो उनकी जमीन, हमारे कागज तो हमारी जमीन है, हमारी जमीन। हमें जमीन चाहिए, और चाहिए अंग्रेजों से जमाना से रह रहे हैं, हमें चाहिए, हमें अपना हक चाहिए। जितना भी खड्डे कर दिया, अब भी जाके देखो क्या हाल से बिल्डोजर चल रहे हैं। हमारी रोजी खत्म कर दी, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई खत्म कर दी, हमारे बच्चों के स्कूल खत्म कर दिए। हम कहां जाए, जाए तो कहां जाए? आज हम पे मुसीबत पड़ रही है। ऐसे सरकार आके यहां पर है, जब जाने के हाथ सरकार हमारे साथ रह के देखे, और सरकार आके देखे, केजरीवाल आके देखे, और मोदी आके देखे, डीडीए वाले आके देखे, रह के देखे, तब जाने का हमारे जैसे इंसान हमारे देश में दुख देखा है, हमारा जैसा दुख झेल के देखे, तब जाने का हाँ वो इंसान है। क्यों नहीं आते, क्यों नहीं भरते? हमको सख वादा करते हैं तुम्हारे लिए सारा काम करेंगे, वोट लेने आते, क्यों वोट ले जाते फिर नहीं देखते लौट के? वोट लेने का टाइम तो पांच जीते हाथ जोड़ते सारे वादा करते, क्यों नहीं आते? यहाँ आके देखे ना, तब माने की हाँ कोई वादा कर रहे हैं। आके इन लोगों को, हम यहाँ जो रह रहे हैं, एक बार हमारे साथ वो 2 घंटे इस धरती पे बिता दे कि वाकई में हम मान जाएंगे कि वो लोग वाकई में महान है, हमारे साथ हैं। उनके संग में जैसे हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, उनके साथ में होके देखे वो आके देखे क्यों नहीं आते? आए तो सही है, देखे तो सही, या धरती पे क्यों नहीं आते? हमारी जमीन को क्यों छीना जा रहा है? जब उनका वो आना हुआ, जब उनका कोई कागज नहीं था, वो आए नहीं थे। जितने 100 साल पुराने थे कागज, जब से रह रहे हैं अंग्रेज के जमाने से रह रहे हैं, हमारे सबूत को खत्म कर दे, अपने सबूत बढ़ा रहे, पर अपने सबूत क्यों नहीं दिखाते? क्यों पीछे हटते हैं? क्यों नहीं आते आगे? चलिए, अभी देखा आपने किस तरीके से हमने बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं से बात की और महिलाओं से बात की, किस तरीके की परेशानी है, कितना परेशान है लोगों के आंखों में, महिलाओं की आंखों में आंसू तक आ गए हैं बताते बताते कि हमारे घर मकान तोड़ दिए गए हैं। किस तरीके से वो किसानी करते थे, अब बेलदारी करते हैं। सोचिए किस तरीके की ये सरकार सत्ता में बैठी हुई अपनी मनमानी कर रही है। इसी तरीके की मैं खबरें आपको दिखाती रहूंगी और जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाती रहूंगी, और इसी तरीके की निष्पक्ष पत्रकारिता आपको दिखाती रहूंगी। और देखते रहिए जब तक जनहित आवाज़।